अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम्स बरकत किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको दही भल्लों और टिक्की पर डालकर खाई जाने वाली चटनी, जिसे सोड भी कहते हैं और खट्टी मीठी चटनी भी कहते हैं, तो उसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। सोड या खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने चीनी ली है 200 ग्राम, गुड़ लिया है 200 ग्राम, और साथ ही लिया है इमली का पल्प। एक बड़ी कटोरी हमने इमली का पल्प लिया है, और हमने मसालों में लिया है ये ब्लैक पेपर और क्यूमिन कुटा हुआ लिया है, ये क्रश किया हुआ है, और हमने लिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून हमने जिंजर पाउडर लिया है, जिसे सौंठ पाउडर भी कहते हैं, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो हमने सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डाल दिया है गुड़, और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है हमने मीडियम हाई। गुड़ को हमें सबसे पहले मेल्ट करना है। हमने यहाँ पुराना गुड़ यूज़ किया है, इसके अंदर हम 1/2 ग्लास वाटर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो आप नया गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा डार्क कलर का होता है पुराना गुड़, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो ये देखें, गुड़ को हमें मेल्ट होने देना है। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो हमें इसके अंदर ऐड करना है सबसे पहले जो सारी शुगर थी, चीनी हमें ऐड कर देनी है। ये देखें, सारी शुगर हमने ऐड कर दी है इसके अंदर, और चीनी को हमें मिक्स कर देना है, और वेट करना है हमें चीनी के भी मेल्ट होने का। मीडियम हाई फ्लेम पर ही हमें जो है सौंठ को पकाना है। तो देखें, चीनी और गुड़ अच्छी तरह से दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं। तो अब हमें इसके अंदर अपना तीसरा और बहुत ही चटपटा फ्लेवर देगा, जो बहुत ही यानी कि इमली का पल्प हम इसके अंदर डालने वाले हैं। ये एक बड़ी कटोरी इमली का पल्प लिया है हमने, अब हमें इसे भी मिक्स कर देना है अच्छी तरह। इमली के पल्प की जगह आप चाहें तो साबुत खटाई का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए, तीनों इंग्रेडिएंट जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं एक दूसरे के अंदर, और देखिए कितना कलर में चेंजिंग आ गई है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर और क्यूमिन जो क्रश किया हुआ है, रेड चिली फ्लेक्स और सौंठ पाउडर। इसे खूब अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से मिक्स कर दें, और सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से पकने देना है हाई फ्लेम पर। और अब हमें ऐड करना है इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे पकने दें 10 से 15 मिनट तक हाई मीडियम हाई फ्लेम पर ही आप सौंठ को पकाएं। उससे ये बहुत ही अच्छी तरह से पककर एक दूसरे के अंदर सारे मसाले जो हैं वो अपना फ्लेवर छोड़ देंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा ये आपको। थोड़ी थोड़ी देर बाद स्पून ज़रूर चलाते रहें। ये देखें, खूब अच्छी तरह सोर जो है, या खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं आप इसे दही बड़ों पर और टिक्की पर डालकर खाया जाता है, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है ये, बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए, खूब अच्छी तरह से पकने देना है हमें, 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे अच्छी तरह से पकने में। ये देखिए, अब बिल्कुल ये रेडी हो गई है। ये देखिए, इतनी ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें पकाते हुए नहीं करना है, क्योंकि अब हम इसे गैस से उतार कर डालने वाले हैं एक डिश के अंदर, और इसे हम रख देंगे 30 मिनट्स के लिए फ्रिज के अंदर, जिससे ये ठंडी होकर थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, अब हमने फ्रिज से इसे निकाल लिया है, तो अब हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसका कितना ज़बरदस्त जो है टेक्सचर आया है, ऐसा ही चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता, बस इतना ही अच्छा होता है। तो गैस पर पकते हुए आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये जब हम इसे निकाल लेते हैं डिश में और इसे थोड़ा ठंडा करते हैं तो ये खुद ही गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम इसके अंदर डाल दिए हमने फ्रूट्स, हमने इसके अंदर मैंगो और बनाना डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर अनार भी डाल सकते हैं, या आप चाहें तो ड्राई फ्रूट की भी सौंठ तैयार कर सकते हैं ये चटनी। ड्राई फ्रूट की सौंठ अगर आप तैयार करेंगे तो उसे आप जो है स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, हमें इसे फ़ौरन ही यूज़ करना है, तो इसलिए हम इसमें फ्रूट्स डाल रहे हैं।
तो हैंड टू हैंड अगर आपको यूज़ करनी है सौंठ या ये खट्टी मीठी चटनी, तो आप इसके अंदर फ्रूट्स का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, छुआरे, काजू या पाचो मगज़ डालें आप इसके अंदर। ये देखिए अब ये रेडी है और हम इसे गार्निश कर रहे हैं तिलों के साथ। ये हमने तिल डाल दिए हैं सौंठ के ऊपर ताकि ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त खूबसूरत दिखाई दे, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है दही बड़ों में भी और टिक्की में भी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सौंठ या फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है और बहुत टेस्टी बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।